Uh, we are continuing with equality and equity in early childhood education so uh, we will talk about the learning through conversation because most of the time students ask questions about diversity and we have to keep them aware that diversity is the part of our life

वो पूछ सकते हैं कि फ़लाम बच्चे का रंग हमारे से क्यों मुख्तलिफ है वो क्यों मुख्तलिफ़ तौर तो तरीक़ों से रहता है उसका लिबास क्यों अलग है और वो अलग से कुछ खाता है तो वो पूछ सकता है अब ऐसे सवाल का जवाब हमें इस तरह से देना है कि उनको ये आगाही हो कि ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है वो लोग हमसे मुख्तलफ़ हैं लेकिन फिर भी हमारे ही जैसे हैं क्योंकि वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी ज़बान मुख्तलफ हो सकती है उनके वालदान मुख्तलिफ हो सकते हैं उनकी जल्द का रंग मुख्तलफ हो सकता है इसका ये मतलब नहीं कि वो हमसे कमतर हैं हाँ वो मुख्तल ज़रूर हो सकते हैं तो जब वो इस तरह के सवालात करेंगे तो हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है जैसे हमने सबसे पहले तो उनको आसान जवाब देना है। बड़ी बड़ी लम्बी थेरीज या आर्गूमेंट्स हमने उन्हें पेश नहीं करने कि हाँ भाई ये चूँके इस तरह से होता है या उसको कोई ऐसी ऐसा जवाब ना दें जिन टर्म्स से या असलाहत से वो वाकिफ नहीं फिर यह कि हमारा जवाब हकीकत पर मबनी होना चाहिए इट शुड बी एक्यूरेट आप अपनी तरफ से कोई कहानी या स्टोरीज जो है वो बना के नहीं दिखाएं कि चूंकि धूप में खड़े रहते हैं तो रंग काला हो जाता है तो वो बच्चा सोचेगा कि कल को मैं बाहर जाऊंगा तो मेरा भी रंग काला हो सकता है उसको बताएं कि जिस तरह के वालदेन हैं उसी तरह उनका बच्चों का रंग होगा और ये बड़ी आम सी बात है फिर ये कि उनको उसी वक्त जवाब दें जिस वक्त वो आपसे सवाल कर रहे हो क्योंकि उस वक्त वो क्यूरियस हैं उस वक्त उनको ज़रूरत है अगर आप बाद में कहीं जवाब देंगे तो उनको एक तो ये भी याद नहीं रहेगा कि किस सवाल के जमन में आपने उनको जवाब दिया और ना वो उस बात को मुकम्मल तौर पर समझ पाएंगे देन डू नॉट डॉज गिविंग ए प्रॉपर आंसर बाय एवेसिव रिप्लाइज अच्छा ये कहने की भी जरूरत नहीं कि नहीं नहीं भाई अभी तुम छोटे हो अभी तुम्हें बात की समझ नहीं आएगी इसलिए मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता कोई सादा सी बात उसको सच बात बता देने में कोई हर्ज नहीं इफ़ यू फील आन इज ई अबाउट द क्वेश्चन देन रिजोल्व दीज फीलिंग्स डायरेक्टली अगर आपको लग रहा है कि सवाल बहुत ज़्यादा तनकीदी है या इस तरह की बात हो रही है कि बच्चा इरीटेट हो रहा है तो उसको पुरसकून करने की कोशिश करें और ख़ुद भी पुरसकून रहें और सोच समझ के उसको जवाब दें यूज़ अपॉर्चुनिटीज़ टू हेल्प यंग चिल्ड्रेन लर्न जैन कर्टसी हाँ हमने अपनी सारी गुफ्तु में उनको ये बताने की कोशिश करनी है कि हमें दूसरों के साथ रेस्पेक्टफुल रहना है हम उनको इस तरह से तनकीदी निगाह से इस तरह से बात नहीं कर सकते देखिए हमने गुज्त मॉड्यूल्स में ये बात भी की कि ज़रूरी नहीं कि रंग और नस्ल का फ़र्क हो कुछ बच्चे जो हैं वो डि, डि, डिफ़िकल्टीज़ के से लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के साथ भी हो सकते हैं डिसबलिटीज़ के साथ भी हो सकते हैं और हमें उनके बारे में भी बच्चों के जहन में अच्छी राय कायम करना है कि वो उनको समझ सके उनको पता हो कि अगर किसी को डिसेबिलिटी है अगर वो पूछता है अच्छा ये मेरी तरह क्यों नहीं खा सकता या ये हमारी तरह मूव क्यों नहीं कर सकता या इसको क्यों नहीं हमारे जैसा दिखता तो ये बताने की बजाय कि वो माजूर है या इस तरह की उसके कहें कि इसके जो जब ग्रोथ हो रही थी तो ये मसला हो गया इस वजह से अब ये नहीं देख सकता लेकिन वो बहुत से काम कर सकता है और बहुत सी चीज़ें वो हमसे भी बेहतर कर सकता है तो एक रेस्पेक्ट का जो आपने आंसर है वो कायम रखना है बच्चों के जहनों में देन चिल्ड्रन डिजर्व ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाइज देखिए जैसे मैंने अर्ज़ किया हमें उनको कोई कॉक या झूठी कहानियाँ नहीं सुनानी हकैक के बारे में बताना है कम हो सादा हो सच हो और रिस्पेक्टफुल हो और जो बात आप उनसे कहें वो किसी को हकारत की नज़र से कम अज कम ना देखें या कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि बच्चे खुद को कमतर समझ रहे होते हैं तब उनको बताना है कि कमतरी की भी कोई बात नहीं हर शख़्स के अंदर अल्लाह ने मुख्तलिफ तरह की सलाहियतें रखी हैं सो so, आप में ये सलाहियतें हैं और फ़लाँ में ये सलाहियतें हैं तो हमें उनको इस तरह का सिखाना है कि कोई फ़र्क इंसानियत के अंदर उनके जहनों में आने वाले दिनों में पैदा ना हो इफ यू डोनाट नो द आंसर टू अ क्वेश्चन प्रॉमिस दैट यू विल फाइंड आउट द इंफॉमेशन तो अगर नहीं आपको पता या आप समझते हैं कि मैं कुछ ऐसा बता दूँगा जो हक़ के ख़िलाफ़ है झूठ है या गलत है तो आप कह सकते हैं बच्चे को भाई अभी मुझे पता नहीं है मैं पता करूंगी और फिर मैं आपको बताऊँगी तो देखिए इससे ये होगा कि बच्चों के जहनों में कि गलत और सही के दरमियान उनको फ़र्क पता चलेगा और दूसरी बात यह है कि इस सारे कन्वर्सेशन uh, में जब आप बातचीत बच्चों से कर रहे हों तो आपने ख़ुद भी नरमी इस्तेमाल करनी है uh, जो आपका रोल मॉडल है जो आपके एक्शंस हैं वो असर डालते हैं बच्चों के जहनों पर अगर आप भी क्यूरियस हो के नफ़रत से किसी के बारे में कोई कमेंट करेंगे तो बच्चे भी बिल्कुल वही एटीट्यूड इक्वली सीख रहे होंगे सो इन चीज़ों से बचना है सवालात का जवाब तहमुल के साथ खुशगवार तसरात के साथ देना है